गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आपको सिखा ले जाऊँ नेशनल गार्डन म्यूजियम जो कि पड़ता है राजघाट के अटैच में, जो कि राजघाट सामने पड़ता है, वो भी लोकेशन समझाएंगे आपको। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन, मतलब दिल्ली गेट, और वहाँ से दिल्ली गेट से कौन कितने मिनट की दूरी है, मात्र 50 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी होगी, जो कि आप वो कवर कर सकते हैं वहाँ से ई रिक्शे से, ऑटो से, कुछ भी कर सकते जाते हैं। और एंट्री की बात करें, एंट्री इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि पार्किंग में इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्द ही। इस साइड आपका राजघाट, ये फ्लैग देख के आपको लग रहा होगा राजघाट ही है, बट राजघाट ही है सामने, और जो बार बैरियर लग रहे हैं सामने वो भी राजघाट ही है। तो राजघाट से सीधा आप आओगे यहाँ से फिरोजशाह कोटला वाली साइड में, तो आपको यहाँ पे बीच में दिख जाएगा नेशनल गांधी म्यूजियम। तो इस तरीके का नेशनल गांधी म्यूजियम, जो कि इंग्लिश हिंदी में दोनों लिखा, और कुछ इस तरीके का एंट्रेंस गेट है जो कि आप यहाँ से एंटर कर सकते हो अंदर के लिए। तो एंट्री की बात करिए, एंट्री इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको पूरा कैप्चर करने को मिलेगा। तो धीरे धीरे पूरा कैप्चर कराते हैं आपको अंदर ले आके, जो कि पार्किंग भी आपको दिखाएंगे, सब चीज़ दिखाएंगे, पूरी चीज़ पूरी जानकारी देने वाले हैं नेशनल गांधी म्यूजियम की। तो अंदर चलते हैं। इसकी पार्किंग 2 व्हीलर की इधर है, 4 व्हीलर की इधर है, जो कि दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है कुछ इस तरीके की, देख सकते हो आप। और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है गांधी म्यूजियम, जो कि आपको गांधी जी की पहले की डिटेल देखने को मिलेगी यहाँ से। तो अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप यहाँ से सामने से आते हैं तो आपको यहाँ पे आके सबसे पहले गांधी जी का पुतला दिखेगा, जो कि कुछ तरीके का स्टैचू मान लो, पुतला मान लो, वो पहले के टाइम पे कुछ इस तरीके के थे, उनसे रिलेटेड आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि आप इनकी देख सकते हो पहले के टाइम पे कैसे थे, सेल्फी खिंचवा सकते हो और बहुत सी चीज़ें कर सकते हो आप यहाँ पे इन्जॉयमेंट, जो कि पहले के टाइम की। और यहाँ से आपको गांधी जी की लाइब्रेरी भी दिख जाएगी, जो कि गांधी जी से, और क्या कहते हैं, गांधी जी से पहले जो डिटेल थी लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी टाइप में होती है, जैसे डिक्शनरी पढ़ते हो आप सब लोग, उनकी भी डिक्शनरी बनी हुई है, जो कि आप सबको पढ़ने की मिलेगी लाइब्रेरी के दौरान, तो वो ही पढ़ सकते हो यहाँ पे आके। और राजघाट न्यू दिल्ली 1101 में पढ़ता है ये, सॉरी 1102 में पढ़ता है ये गांधी नेशनल गांधी म्यूजियम। तो कुछ तरीके यहाँ पे देख सकते हो गांधी, तो कुछ तरीके यहाँ से इसकी एंट्री से इसकी एंट्री है, जो कि आपको यहाँ से एंट्री करने को मिलेगी। सामने से एंट्री करती है यहाँ से हम आए, और यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट, टॉयलेट भी अवेलेबल है आपके लिए। तो यहाँ से आप आगे जाओगे तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जो कि पहले के टाइम की गांधी जी से रिलेटेड थी, जो कि पहले के टाइम की, जो कि इस तरीके की देख सकते हो आप कितनी पेंटिंग है, जो कि पहले के टाइम पर इनसे जो जो कि फ्रेंड थे या कोई थे, जो पहले के टाइम पर देश के टाइम पर जो अपने देश के लड़ते थे, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जो कि आप देख सकते हो और कितनी खूबसूरती है। बट मैं ये तो बता नहीं पाऊँगा प्रॉपर कि ये चीज़ क्या है, बट आपको दिखा सकता हूँ कि उस तरीके का, जो कि आप देख सकते हो। और बंदों ने यहाँ पे पेंटिंग अपने हाथों से बना के यहाँ पे लगाई हुई है, ये आप सब लगा सकते हो यहाँ पे भी, जो कि देख सकते हो, जो कि स्कूलों में पेंटिंग जो होती थी वो यहाँ पे आपकी पेंटिंग यहाँ पे लगाई हुई है, ये A to Z पेंटिंग हाथों से बनाई हुई है, जो कि ये जो ये दिख रही है ऊपर, इतनी A to Z अपने हाथ से बनाई हुई है। ये भी देखो किसी के स्कूल का प्रोडक्ट हो, वो यहाँ पे गांधी म्यूजियम में रखा गया है, तो कुछ इस दौरान देख सकते हो आप सब लोग। और ये देख सकते हो पहले के टाइम का गांधी जी का जो होता था, जो गांधी जी की मम्मी थी, तो इस दौरान खाना बना के खाते थे पहले के टाइम पे, देख सकते हो आप आराम से कितनी, वो इस तरीके का जो कि आपको पहले के टाइम पे घर देखने को मिलेंगे। ये है ये गांधी जी के पहले का मटेरियल, जो कि पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, चप्पल हो गई, चश्मा हो गया, और ये जो बाल कोती होती है, ये सब पढ़ने के लिए, जो पहले के टाइम के रिलेटेड थे, कुछ तरीके के गांधी जी के मटेरियल में काम आते थे। और ये देख सकते हो यही पढ़ सकते हो, चक्का है, और अपने डेढ़ से कृपया हाथ ना लगाए, तो हाथ लगाने के प्रोटेक्ट बनाए बिल्कुल। और ये देख सकते हो पहले के टाइम के पेड़ है, यहाँ पर सेल्फी वेल्फ भी खिंचा सकते हो आप सब लोग, और यहाँ पे फोन अवेलेबल है। और ये सही देख सकते हो गांधी जी की पेंटिंग, जो कि कोई किससे रिलेटेड होगी बट ये पता नहीं किससे रिलेटेड होगी, और देख सकते हो उस तरीके का, बट यहाँ का कैप्चर कर लिया। अब चलते दूसरी साइड में, वो कैप्चर करते हैं आपको ले आके, है ना, कौन सा और देखते होगी, है ना। तो ये देख सकते माई मिसेज, ये पढ़ सकते हो अभी वाली भी देख सकते हो, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है, पढ़ सकते हो आप, पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल दी हुई है। इसके बाद लाइब्रेरी टाइप में ही है ना, जो कि A to Z लाइब्रेरी है, तो बुकें भी लिखी हुई गांधी जी से, जो कि पहले के टाइम की बुक है, वो भी पढ़ सकते हो आप यहाँ पे आके। तो ये भी देख सकते हो पहले के टाइम की कुछ होती थी, जो कि क्या बोलते हैं इसको, ये पढ़ा, ये भी लिखा हुआ, ये पढ़ सकते हो आप आराम से। तो चलते हैं बाहर।
तो ये हम वहाँ से कैप्चर करके आओगे तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे कितनी सारी गांधी जी की पेंटिंग ही पेंटिंग दिखने को मिलेगी, जो कि पहले के टाइम पे गांधी जी थे, अपने देश के लिए इतना कुछ करा है, जो कि अब जाके इतना आपको देखने को मिलेगा गांधी जी के बारे में, जो कि आज सारा स्थित दिखा लेगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे आके, यहाँ से भी है, ये भी देख सकते हो, बट यहाँ से तो कोई नहीं, यहाँ से करेंगे पहले एंट्री। ये भी देख सकते हो गांधी जी के स्टैचू के सामने, और ये संग्रहालय ऊपर है, म्यूजियम ऊपर है, वो ऊपर है संग्रहालय ऊपर है, और ये भी कुछ इस तरीके का काम म्यूजियम में चल रहा है, संग्रहालय ऊपर है ना, तो उसको संग्रहालय कहते हैं, तो ऊपर चलते हैं। नीचे से आओगे, नीचे से आपको ऊपर रास्ता मिलेगा, जो कि यहाँ से आपको आएंगे तो यहाँ पे कुछ थ्री गेट मिलेगी, बस एंट्री एक यहाँ से है, लेकिन अब यहाँ से एंट्री कर सकते हो, और ये भी अंदर जाने का है, यहाँ से आप एंट्री करोगे, और यहाँ से आपको एक दान पत्र मिल जाएगा, जो कि आप डोनेट कर सकते हो पैसे यहाँ के लिए, कुछ भी आपको डोनेट करना हो तो, है ना। टेलीफोन दिए गए, पहले के टाइम के जो टेलीफोन होते थे वो है, देखो नंबर वंबर बाइक आदर सब कुछ दिए हुए, इन पर भी आप कॉल कर सकते हो अपने घर पर। गांधी जी इस वॉइस, तो गांधी जी पहले के टाइम पे कैसे बात करते थे उसके बारे में है। हिंदी रिसीवर गोश कर, जो कि आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे आके। तो बाकी यहाँ से आपको एंटर मिलेगी सामने से, यहाँ से अंदर करोगे एंटर तो आपको ये पेंटिंग मिल जाएगी, जो कि पहले के टाइम से इनके लिए रिलेटेड थी, कुछ अगर वो आश्रम तो आश्रम के टाइम में जो पहले के टाइम में रिलेटेड होती तो वो कुछ सही है। बाकी आपको यहाँ पे एक गांधी जी का स्टैचू मिल जाएगा, जो कि एक वचन देते थे पहले के टाइम पे गांधी जी, तो उसके वाले एक अच्छू का मित्र, तो ये पढ़ सकते हो आप। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, कभी कभी आप बुद्धि में हो तो ये भी पढ़ सकते हो आप, पूरा प्रॉपर है, ये भी आप दे सकते हो। तो कुछ पहले के टाइम की जो होती थी वह पुस्तक जिसने गांधी जी का जन्म बदल दिया, तो पहले के टाइम की जो थी जिसने गांधी जी का जन्म बदल दिया था उसकी रिलेटेड ये बुक है, जो कि बुक से रिलेटेड ही पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप ये पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। तो बाकी अंदर जाओगे तो अंदर भी आपको एक से एक पॉइंट मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे घूम से पहले के टाइम की गांधी जी के बारे में रिलेटेड पूरी गांधी जी और पहले का बागा ही बात ये नोटों की, तो पहले की बात करी जाए कि नोट कैसे कैसे थे, कैसे कैसे बदले, कैसे कैसे चलते हैं, और अभी तो हाल फिलहाल में 100 का नोट चलता है, 500 का नोट चलता है, और पहले के टाइम के 500 का नोट देख सकते हो, अब ये 500 का नोट है पहले के टाइम का, और पहले के टाइम ये भी 500 का नोट था, और ये 1000 रुपये का नोट था पहले के टाइम, अब 2000 के बंद हो गए, तो उस दौरान तो देख सकते हो आपके टाइम पर और पहले के टाइम पर कितनी अलग चीज़ें हैं। तो कुछ तरीके का जो कि आप गांधी म्यूजियम में देख सकते हो, और बहुत सी चीज़ें जो कि आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ों की आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप आगे यहाँ पर विजिट करें गांधी म्यूजियम में, तो बहुत सी जानकारी मिलेगी आपको, एक से ही जानकारी मिलेगी, जो कि पहले के टाइम पर कैसे थे और आपके टाइम पर पहले थे गांधी जी, क्या पहनते थे गांधी जी, ये पहनते थे, और अब यहाँ से आपको देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी चीज़ें रखी है पहले के टाइम के गांधी जी के रिलेटेड की, क्योंकि पहले के टाइम गांधी जी पूरी डिटेल दी है, A to Z, क्योंकि आप ये पढ़ सकते हो पूरी डिटेल है पूरी, क्योंकि आप ये भी कैप्चर कर सकते हो यहाँ पे आके। और बात करिए पहले के टाइम की, जो कि रिलेटेड होती थी, जो कि कैपों के बारे में, जो कि सर के टाइम की टोपियाँ पहनते थे, टोपियाँ बनती थी पहले के टाइम की, तो वो भी देख सकते हो आप यहाँ पे, उसके बारे में लिख रहे हैं नुकाला हाथ, तो ये भी है पूरी तो पूरी प्रॉपर दी गई है, प्रॉपर भाई प्रॉपर जानकारी, तो ये भी देख सकते हो आप प्रॉपर जानकारी के साथ पूरी डिटेल यहाँ पे गांधी जी के म्यूजियम में। तो देख सकते हो पहले के टाइम की फ्रेंड्स की, फ्रेंड एंड कॉमर्स, तो इनके बारे में फ्रेंड जो थे दोस्त यार, उनके बारे में भी देर गया हुआ है पूरा A to Z यहाँ पे, जो कैसे कैसे थे, तो इस तरीके का, क्योंकि आप आगे जाओगे तो और आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी इसकी। बात करिए इनकी, जो कि पहले के टाइम की जब गांधी जी की देहांत हो गई थी, मृत्यु, तो उसके दौरान इनकी इमेज दी गई है, और इमेज की बात करिए जिस दौरान गांधी जी ट्रेन के दौरान मरे, तो उसकी भी डिटेल गई है, जो कि आप ये पढ़ सकते हैं 1999 उसको मौतम गांधी जी के अस्थि कला दिल्ली से इलाहाबाद ले जाने वाले गाड़ी के डिब्बों का प्रश्न, मतलब डिब्बों की हालत देख सकते हो पहले के टाइम भी कैसे थी। और ये बात करिए गांधी जी की, ये गांधी जी के अस्थि गाड़ी, मतलब अस्थि मतलब पहले के लिए उनकी हड्डियाँ होती थी, जिस दौरान हड्डियाँ ले जा रहे थे उस दौरान की एक गाड़ी है, क्योंकि उस दौरान की है ये गाड़ी, जो कि आप देख सकते हो ऊपर से प्रॉपर और नीचे से प्रॉपर, जो कि पहले के टाइम की गांधी जी की रिलेटेड गाड़ी थी, जो कि आप इसके बारे में देख सकते हो। और बात करिए आगे की, तो आगे बहुत सी चीज़ें जो कि गांधी जी से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारी जानकारी मिलेगी,
वैष्णव जान, तो वैष्णव जान का तो टेन ही बाइनरी का जो पीडीएफ प्रिंट करता है, तो यही पढ़ सकते आप पूरा एक डेट, बट मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। तो अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत लंबी लगेगी और बहुत लंबा ब्लॉग खींच जाएगा, तो इससे दुकान थे कि आपको जितनी मैं कैप्चर करा पा रहा हूँ उतनी कैप्चर कर सकते हो। और ये देख सकते हो हर यहाँ पे हर डिटेल में जानकारी मिल जाएगा, हर मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब में आपको जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपको नोट सिंग बड़ा आई हरी जे डी वेड्स, तो यही पढ़ सकते हो आप, ये इस तरीके की जानकारी है। तो ये पहले के टाइम का लिख रहा है, ये हाथ ना लगा है, प्लीज़ डोंट योर टच, तो ये भी है कुछ पहले के टाइम का, स्कूल वूल के टाइम में होता था उसके बारे में है, ये वही दे सकते थे। तो ये है, ये जगह गाड़ी गांधी के पास अधिकार समाधि, तो ये कुछ तरीके गांधी जी की समाधि का है, कुछ लीजिएगा ये जगह गाड़ी गांधी जी के आप आशक्तमी समय साथी थी स्त्री, ये भी है और यही पढ़ सकता है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो यही है कुछ तरीके का, माई लाइफ इज़ माई मैसेज, तो कुछ तरीके का ये भी पढ़ सकते हो आप, कोई इस तरीके का गांधी म्यूज़ियम जो कि मैंने पूरा कैप्चर करा है आपको, ए टू जेड गांधी म्यूज़ियम भी आपको कैप्चर करा रहे हैं सामने से आओगे तो, और यहाँ पे आपको गांधी जी से पहले से रिलेटेड वो कैप्चर करने का वह चित्र मध्यकर्षण परता से पोर्ट्रेट्स, तो ये देख सकते हो चित्र पूरे ए टू जेड या रेस फिनिशिंग में बनाए हुए, कि क्या बताऊँ आपको, क्योंकि वो इस तरीके गांधी के देश में, तो गांधी के देश में किस तरीके की पेंटिंग है, जो कि अभी पढ़ सकते हो, वधि चित्र वायत्री चित्र, तो ये भी है कुछ तरीके का, ये भी है बाके बिना बापू महात्मा गांधी कस्तूर गांधी के निधान पर, ये भी पढ़ सकता पूरी ए टू जेड डिटेल है कुछ तरीके गांधी जी की, जो कि गांधी जी की ये पेंटिंग है, जो कि आप ये देख सकते हो पूरी डिटेल, और ये बोल रहे गांधी जी ही लिखा हुआ पूरा गांधी जी पेंटिंग के बारे में, पूरा ए टू जेड पूरी ए टू जेड तुम्हारे को एक एक चीज़ बताई जाएगी गांधी जी के बारे में, गांधी कैसे थे कैसे नहीं थे, पूरी ए टू जेड ये बात करी है गांधी जी के पहले के प्रोडक्ट जो पहले के टाइम पे इस्तेमाल होते थे, तो उस दौरान थी उस तरीके यहाँ पे प्रोडक्ट रखे गए हैं, जो कि पहले के टाइम पे प्रोडक्ट काम होते थे उस तरीके के, जो कि पूरी डिटेल दी गई है यार गांधी जी के म्यूज़ियम के बारे में, तो कुछ तरीके जो कि आप देख सकते हो पहले के टाइम की मशीनें कैसी होती थी, क्या क्या चीज़ें क्या क्या होती थी, और जो कि पहले के टाइम के लोग कैसे कैसी झीलते थे, और ये देख सकते हो प्रॉपर पूरी दी गई है गांधी जी से पहले रिलेटेड पहले के टाइम की इन्फॉर्मेशन, कुछ तरीके का जो कि इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ तरीके का ए टू जेड वाई इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या बात है यहाँ पे यार गांधी जी के, जो कि आप ये देख सकते हो पेंटिंग, क्या पेंटिंग लग रही है यार ये, और पहले के टाइम पे प्रोडक्ट काम आते थे, जो कि कैसे काम आते थे, ग्रामा लक्ष्मी करदान, तो ये पढ़ सकते हो अब उसके बारे में दी गई है पूरी, ये है अंतिम कला, तो ये भी देख सकते हो अंतिम कला पहले के टाइम की कुछ इस तरीके की होती थी, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट होते थे कुछ इस तरीके के, जो कि पहले के टाइम की कलाएं होती थी, ड्राइंग कंपटीशन हो गया, बहुत सी चीज़ हो गई पहले के टाइम का, लाल किला देख सकते हो कैसे था, और अब के टाइम का देख सकते हो कैसे है, कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी गई है पूरी, अंतिम कला तो इनको कहते हैं, जो कि पहले के टाइम कैसा था और अब के टाइम कैसा है, महात्मा गांधी दर्शन प्रतिम द्वारों को दौड़ करते हुए बचिन 1947 में महात्मा गांधी विजिट दिस स्टोर हाउस बिहार, मतलब बिहार के पहले बिहार के उसमें विजिट करा था, मतलब इन्होंने, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बाकी पूरी ए टू जेड आपको लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पे आके ले सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो उसके बारे में, कुछ इस तरह मिल जाएगा, और यहाँ पे पेंटिंग मिल जाएगी, पेंटिंग के दौरान पूरी ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन जी भी पढ़ सकते हो, महात्मा गांधी कट्टर बाप से चर्च करते हुए फिर से स्वागत है फिर से आपको एक नई वीडियो में, तो आपको लेकर नेशनल गांधी म्यूजियम में उसकी टिकट टाइमिंग लोकेशन पार्किंग चार्ज सब बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड से स्टार्ट करते हैं, गांधी म्यूजियम में खड़ा हूँ तो इसकी डिटेल चल पड़ते हैं, चलो प्रदर्शनी कक्ष जो कि गांधी जी से पहले ही रिलेटेड, भारत के जन जन के जीवन में
महात्मा गांधी समान है। उनके विचार अमर हैं और सदैव संसार को सही मार्ग दिखाते रहे। गांधी जी के जीवन पर बनी है डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगभग 15 साल में बताई है। यह स्टॉप कैमरा मैन के अथक परिश्रम का परिणाम है। पूरा एक्सप्लोर करके बाहर आ गए हैं। संत ही ईश्वर है, तो कुछ तरीके संत ही ईश्वर होता है ही। तो यहाँ से और आगे जाओगे तो आपको गांधी जी की पेंटिंग देखने मिल जाएगी, जो कि पहले से टाइम की रिलेटेड थी, वो भी आपको कैप्चर कराते हैं यहाँ पे। यहाँ से जैसे ही आप आगे आओगे तो आपको गांधी जी का यहाँ पे पहले के घड़ी का टाइम दिख जाएगा, जो कि पहले के टाइम की घड़ी थी वो दिख जाएगी आपको। और यहाँ पे पहले के टाइम के कुछ तरीके का जो होते थे वो दिख जाएंगे आपको। और ये बात करिए इसकी, क्योंकि पहले के टाइम के गांधी जी कैसे रहते थे, कुछ तरीके की जानकारी पूरा बंद कर रखा है। बट इस तरीके जो कि आप आगे जाओगे तो पहले के टाइम का वो सब कुछ दिख जाएगा। टिकट पहले के टाइम का घर कैसा होता था इनका, कैसे रहते थे, पूरी ए टू जेड डिटेल दे रखी है यार, पूरी ए टू जेड। क्योंकि आपको एक एक कमरे में डिटेल दिख जाएंगी इनकी, देख सकते हो आप। इस तरीके के कमरे होते थे पहले के टाइम के। बट इस टाइम तो पेंट वेंट करा के कुछ इस तरीके से पेंट वेंट करा के साफ कराया गया है, तो कुछ तरीके की पूरी खूबसूरतियाँ हो गई। बट पहले के टाइम का तो बहुत ज़्यादा माल होता था, क्योंकि कैसे रहते थे, फिर कैसे जीते थे, पहले के टाइम का अलग ही था। आपको पूरा कैप्चर करा हुआ है गांधी म्यूजियम में। और एक 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 कमरा दिखा रहा हूँ आपको, कमरा देख सकते हो, एक 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 कमरा जो कि लगाई गई है इनकी स्टैचू की मूर्तियाँ, कुछ पहले के टाइम के फ्रेंड ले लो, तो इस तरीके से। इसमें तो कबूतर रह रहे हैं भाई, तो इस तरीके में पहले के टाइम का होता था ये, कुछ इस तरीके का, तो कुछ इस तरीके का है जो कि आपको पूरा कैप्चर करा रहा हूँ मैं। यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी होगी तो वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। और बात करिए इसकी टाइमिंग की, सुबह ये 10:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है। और बात करिए इसकी नियर बाय एक्सपीरियंस की, तो वो पड़ेगा दिल्ली गेट। तो पढ़िए पता, बात करिए कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है राजघाट है, तो उसके पीछे पड़ता है, बिल्कुल अटैच है, जो कि आपको भी आके पता लग जाएगा। और न्यू दिल्ली में पड़ता है राजघाट, न्यू दिल्ली में पड़ता है, करेक्ट लोकेशन नहीं है। लोकेशन तो बहुत बढ़िया है, बट बताऊँगा तो ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ पर पड़ता है, आके आप सब विजिट करते हो। और इसकी टिकट प्राइस बिल्कुल फ्री है, पार्किंग इसकी फ्री, एंट्री सबको फ्री है, जो कि आप यहाँ पे की इन्फॉर्मेशन ले दो और जानकारी दे सकते हो। पहले के टाइम पर कैसे था, कैसे नेचर बदला, और पहले के टाइम पर किस किस चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी, वो सब यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो आके आप सब लोग विजिट कर सकते हो, जल्दी आओ और विजिट करो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।